जब जन्म
पूरे अयोध्या नगरी में खुशी की लहर छा जाती है। बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई हो करके सभी अयोध्या वासी बधाई देते हैं। अश्वसेन की दरबार में बधाई हो बधाई, अश्वसेन की दरबार में बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो अश्वसेन की दरबार में बधाई हो बधाई, अश्वसेन की दरबार में बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, अश्वसेन के दरबार में बधाई हो बधाई, अश्वसेन के दरबार में बधाई हो बधाई। और अष्टकुमारियां भी साथ में आ जाती हैं बधाई के लिए। सभी अयोध्या नगरी अष्टमी सभी बधाई देंगे और हर जान हंसते हुए झूमते करेंगे, एक का तीन दिन गाने झूमते करेंगे। हमें बच आज नगरी में बधाई, सभी तो अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर के बधाई करेंगे। बच आज नगरी में बधाई, माता की लल्ला हो गया चकिए चकिए, 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 अरे अरे नगर की लल्ला हो गया चकिए चकिए, अरे नगर की लल्ला हो गया चकिए चकिए। अभी तो अयोध्यावासी खुशी मना रहे हैं। माता के हो गया चलिए क्या करिए, माता के लल्ला हो गया चलिए क्या करिए, माता के लल्ला हो गया चलिए क्या करिए, अरे सारी नगर के लल्ला हो गया चलिए क्या करिए, अरे नगर के लल्ला हो गया चलिए क्या करिए। बधाई
इधर चंद्रई जी, उधर स्वर्गों में सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाँ यकीन है कि अब हट जाओ वहां से अपनी जगह पर। हाँ स्वर्गों में धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी कुर्सी पर बैठ जाओ। बनारस बोल देते हैं, कई बार की पार्श्वनाथ भगवान का बोल देते। सौ धर्मेंद्र स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान है और वहां पर अचानक सौ धर्मेंद्र का सिंहासन का पाए प्रणाम करते हैं तो सौधर्मेंद्र सचिव रानी कहती है, हे स्वामी आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? बोले हे स्वामी आश्चर्य आश्चर्य आपने किसको नमस्कार किया है? यहाँ तो कोई जिनबिन कोई जिन चटाले नहीं नजर आ रहा, क्या किसको नमस्कार किया है आपने? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए स्वामी। बनारस नाम नगरी के अंदर राजा अश्वसेन के यहाँ अश्वसेन की भार्या महामाता बामा देवी की कुछी से तीर्थंकर बालक ने जन्म ले बनारस नगरी की ओर सची इंद्रानी से कहता है सौ धर्मेंद्र। ये मुझे क्यों बोल रही है? वैसे नहीं बोल पा रही। हे देवी आप और हम तीर्थंकर बालक की खुशी में बनारस नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं और कुबेर को हल्ले करके कुबेर कुबेर इंद्रानी अपने परिकर के साथ ईशान इंद्र आदि के साथ चल पड़ता है। राजमहल के द्वार पर पहुंच जाता है।
और एकदम से खड़ा हो जाता है और फिर सौदा में सती रानी से क्या कहता है, हे देवी मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, आप माता के प्रसूति गृह में जाएं और तीर्थंकर बालक को लेकर आए। सामने मुख रख रहा हूँ, सामने मुख। हे स्वामी ऐसा कैसे संभव है, कोई माँ अपने बालक को मुझे कैसे सौंप सकती है, ये स्वामी ये कैसे संभव है। हे देवी सामने मुख रहो, मैं आपको एक युक्ति बताता हूँ। युक्ति कैसे युक्ति, माया भी बालक देता है। हे देवी आप अपनी मायावी शक्ति से एक मायावी बालक प्रकट करें और उसको माता के पास लाकर तीर्थंकर बालक को ले आएं। अरे वाह, ये क्या युक्ति बताई है, मैं यूं गई और यूं आई। तभी सचिन रानी अपनी माया से मायावी बालक लेकर के मायावी बालक का निर्माण करती है। और बड़ी हर्षित मुद्रा में हली हली शनि शनि महलों में जाती है और बाकी की इन नानी थोड़ा थोड़ा पीछे उठाते हैं, सचिन नानी को पूरी जगह दे देते हैं और सचिन नानी बड़ी हर्षित भी भक्तिभाव पूर्वक महलों में जाती है। माता सो रही है गहरी नींद में। पीछे पीछे जाए सचिन भाई छम छम चाली सची भोगी भाई माता की चाली सची भोगी भाई माता की मिलो मिजाई सची भोली भाई माता की मिलो वहाँ से मायावी बालक को सुला करके तीर्थंकर बालक को ले लेती है। इधर सौधर्मेंद्र अपनी रानी को ढूंढ रहा है, नगर में पूछ रहा है, आपने मेरी रानी को देखा क्या, अभी तक नहीं आई मेरी रानी, एक एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं। बोलो भाई माइक से बोलो। अरे माइक से बोलो भाई। अरे आपने मेरी सौदर्भ रानी को देखा क्या, मेरी सचिन रानी को देखा क्या, यज्ञ नायक जी से पूछ लो। आपने मेरी सचिन रानी को देखा क्या, इधर नरेंद्र जी बैठे हैं पूछो। आप तो बता दीजिए मेरी सचिन रानी कहाँ, पूछते रहो पीछे अशोक जी बैठे हैं उनसे पूछ लो। सौदर्भ जी रमेश जी अशोक जी देखा क्या, माता जी से पूछो कहीं माना चली गई हो, पूछ रहे हैं मेरे रानी को देखा क्या। अरे आपने मेरी सचिन रानी को दोबारा पूछा, बोलो माता जी आपने मेरी सचिन रानी को देखा क्या। भैया अभी तो नहीं देखा मैंने, दिखेगी तो मैं आपके पास खबर भेज दूंगी। मन में सोच रही आपी पीछ देख रही इधर उधर वो जाती रही, चश्मा लगा करके भी ढूंढने लगते हैं, तब आई कि फिर इंद्राणी किसी की तीर लगाती क्यों है, किसी की तीर लगाती क्यों है, क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। मन में सोच रही, अरे
तो धर्म जी मोदी के वो आए हम की कहानी वो कहाँ देखो घर से गेट के तब से आ रही है अरे वो तो नहीं है वो धर्म जी ओ फालो करे वो देखो उधर गेट के तब से आ रही है बोले वो कहीं कहीं वो तो नहीं वो तो नहीं वो तो नहीं है नहीं नहीं वो नहीं है अरे उधर देखो उधर उधर गेट मेरी सचिन साई तो बहुत सुंदर है देख लिया क्या अरे वो सामने देखो सामने तो नहीं है वो सामने मिलती वो सामने कोने में दूर की आगे कमजोर है चश्मा लगा हाँ चश्मा लगा कर देखते हैं सोचन मन में सोच रही चश्मा लगा कर देख रही चश्मा चश्मा सोचन मन में सोच रही पहले कभी सोच रहे थे वो चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती थी ये पंचम राजा पंचम का चश्मा भी करता है इतनी देर लगाती क्यों है इतनी देर लगाती क्यों है कब आएगी मेरी इंद्राणी सोचन मन में सोच रही कब आएगी मेरी इंद्राणी पंचम पंचम मैया लगा पंचम पंचम मैया और वहां पर सबे पे से धीरे 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 पके जा धरती छम छम चाली इंद्राणी तीर्थ कर बालक कोई थे तीर्थ कर बालक कोई थे महीनों में आ गई इंद्राणी धीरे धीरे पके जा धरती छम छम चाली इंद्राणी तीर्थ कर बालक कोई बाकी के लोग बैठ जाएं, बाकी के लोग बैठ जाएं रोटी के लिए, हाँ, और एक तार थोड़े से हटा दो भैया बीच में से, पैर में उलझ जाएंगे, पैर में उलझ जाएंगे तार हटाओ, हाँ धीरे धीरे पक जा धरती छम छम चाली इंद्राणी तीर्थन कर बालक पुरी गए तीर्थन कर बालक पुरी गए महलों में आ गई इंद्राणी धीरे धीरे पक जा धरती छम छम चाली इंद्राणी धीरे धीरे पक जा धरती सौधर्म बार बार कह रहे हैं दे दे मेरे नेत्र तरस रहे हैं लेकिन सौधर्म रानी कहती है स्वामी यही मौका है मैं नहीं दूंगी ना देंगे ना दोगे अपने ललन को ना दोगे ना दोगे ना दोगे ना दोगे सुनिए ओ सची ललना को मोहित कैदी बाकी दर्शन कर वैदी मन की दशा जाएगी और रवि मन की दशा जाएगी इस दर्श को देखकर सारे समाज अपने दोनों हाथों खोले की आयो की सारा सुनिए ओ सची कहती है स्वामी ये सब कुछ तो मेरे ही है और
ये सब तो पहले मेरे स्वामी, ये राज, ये संपदा, इससे मुझे क्या करना है? ये तो वैभव सारा मेरा ही है। कैसी है, पहले की चाबी तुमने मुझे दे रखी है। हाँ, सुन ले ओ सची की दीवानी, लगना तो मोहित की थी, बाकी दर्शन कर मैंने मन की दशा इके जाएगी, ओ रानी मन की दशा इके जाएगी, ओ सुन लो ओ इंद्र राजा, लगना तो ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, सुन लो ओ इंद्र राजा, लगना तो सारे इंद्र और इंद्राणी मुझ पर हंस रहे हैं। तब साधुमन कहते हैं, एक बार कहीं लो सीजी मारे हाथ ना, सारी घड़ी ने करूंगी मन ना, सीजी के मारे हाथ ना, सारी घड़ी ने करूंगी मन ना, सीजी के मारे हाथ ना, ले लो प्रभु जी थारी हाथ, खुशी लो जी थारी भरो,
सोचने लगो कि रानी के सामने नतमस्तक हो गया था। ऐसा नहीं, वो बुद्धिमान था सौदर मित्र, वह झुक गया कीर्तनकर बालक के चरणों में और कीर्तनकर बालक को नमस्कार करके ले लेता है सचिन रानी से। तुझी सूरज कहूँ या चंदा, तुझी दीप कहूँ या तारा, मेरा तुझी सूरज कहूँ या चंदा, तुझी दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम तेरी आरोशन जगनी मेरा जा सुजारा। और सारे की सारी खुशी में बधाइयां कहते हैं, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो अच्छे की चलना, Yeah.
अरे बच्चे आज नगर में बधाई आज आहुति के लिए तैयार हो जाएं। नीचे करके नीचे इसके